भारत का संविधान अध्याय 3 राज्य की विधानमंडल साधारण अनुच्छेद 168 राज्यों के विधानमंडलों का गठन अनुच्छेद 168 1 प्रत्येक राज्य के लिए एक विधानमंडल होगा जो राज्यपाल और क आंध्र प्रदेश बिहार मध्य प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटक तमिलनाडु तेलंगाना और उत्तर प्रदेश राज्यों में दो सदनों में से ख अन्य राज्यों में एक सदन से मिलकर बनेगा। दो, जहां किसी राज्य की विधानमंडल के दो सदन हैं वहां एक का नाम विधान परिषद और दूसरे का नाम विधानसभा होगा और जहां केवल एक सदन है वहां उसका नाम विधानसभा होगा। अनुच्छेद 169 राज्यों में विधान परिषदों का उत्सादन या सृजन। अनुच्छेद 169 1 अनुच्छेद 168 में किसी बात के होते हुए भी संसद विधि द्वारा किसी विधान परिषद वाले राज्य में विधान परिषद के उत्सादन के लिए या ऐसे राज्य में जिसमें विधान परिषद नहीं है विधान परिषद के सृजन के लिए उपबंध कर सकेगी यदि उस राज्य की विधानसभा ने इस आशय का संकल्प विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों की संख्या के कम दो तिहाई बहुमत द्वारा पारित कर दिया है। दो खंड एक में विनिर्दिष्ट किसी विधि में इस संविधान के संशोधन के लिए ऐसे उपबंध अंतर्विष्ट होंगे जो उस विधि के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए आवश्यक हो तथा ऐसे अनुपूरक अनुसंगिक और परिणामिक उपबंध भी अंतर्विष्ट हो सकेंगे जिन्हें संसद आवश्यक समझे। तीन, पूर्वोक्त प्रकार की कोई विधि अनुच्छेद 368 के प्रयोजनों के लिए इस संविधान का संशोधन नहीं समझी जाएगी। अनुच्छेद 170 विधानसभाओं की संरचना। अनुच्छेद 170 1 अनुच्छेद 333 के उपबंधों के अधीन रहते हुए प्रत्येक राज्य की विधानसभा उस राज्य में प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों से प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा चुने हुए 500 से अनधिक और 60 से अन्यून सदस्यों से मिलकर बनेगी। दो खंड एक के प्रयोजनों के लिए प्रत्येक राज्य को प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में ऐसी रीति से विभाजित किया जाएगा कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र की जनसंख्या का उसको आवंटित स्थानों की संख्या से अनुपात समस्त राज्य में यथा साध्य एक ही हो। स्पष्टीकरण, इस खंड में जनसंख्या पद से ऐसी अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना में अभिनिश्चित की गई जनसंख्या अभिप्रेत है जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं। परंतु इस स्पष्टीकरण में अंतिम पूर्ववर्ती जनगणना के प्रति जिसके सुसंगत आंकड़े प्रकाशित हो गए हैं निर्देश का जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं यह अर्थ लगाया जाएगा कि वह 2001 की जनगणना के प्रति निर्देश है। तीन, प्रत्येक जनगणना की समाप्ति पर प्रत्येक राज्य की विधानसभा में स्थानों की कुल संख्या और प्रत्येक राज्य के
प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का ऐसे प्राधिकारी द्वारा और ऐसी रीति से पुनः समायोजन किया जाएगा जो संसद विधि द्वारा अवधारित करे, परंतु ऐसे पुनः समायोजन से विधि विधानसभा में प्रतिनिधित्व पर तब तक कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा जब तक उस समय विद्यमान विधानसभा का विघटन नहीं हो जाता है, परंतु यह और कि ऐसा पुनः समायोजन उस तारीख से प्रभावी होगा जो राष्ट्रपति आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे और ऐसे पुनः समायोजन के प्रभावी होने तक विधानसभा के लिए कोई निर्वाचन उन प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों के आधार पर हो सकेगा जो ऐसे पुनः समायोजन के लिए विद्यमान है, परंतु यह और भी कि जब तक सन 2026 के पश्चात की गई पहली जनगणना के सुसंगत आंकड़े प्रकाशित नहीं हो जाते हैं तब तक इस खंड के अधीन एक प्रत्येक राज्य की विधानसभा में 1971 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित स्थानों की कुल संख्या का और दो ऐसे राज्यों के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजन का जो 2001 की जनगणना के आधार पर पुनः समायोजित किए जाएं, पुनः समायोजन आवश्यक नहीं होगा। अनुच्छेद 171 विधान परिषदों की संरचना। अनुच्छेद 171 एक विधान परिषद वाले राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा के सदस्यों की कुल संख्या का के एक तिहाई से अधिक नहीं होगी, परंतु किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या किसी भी दशा में 40 से कम नहीं होगी। दो, जब तक संसद विधि द्वारा अन्यथा उपबंध न करे तब तक किसी राज्य की विधान परिषद के संरचना खंड 3 में उपबंधित रीति से होगी। तीन, किसी राज्य की विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या का क यथाशक्य निकटतम एक तिहाई भाग उस राज्य की नगरपालिकाओं, जिला बोर्डों और अन्य ऐसे स्थानीय प्राधिकारियों के जो संसद विधि द्वारा वे निर्दिष्ट करे सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होंगे। ख यथाशक्य निकटतम 12वां भाग उस राज्य में निवास करने वाले ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो भारत के राज्य क्षेत्र में किसी विश्वविद्यालय के कम से कम 3 वर्षों से स्नातक हैं या जिनके पास कम से कम 3 वर्ष से ऐसी अर्हताएं हैं जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि या उसके अधीन ऐसे किसी विश्वविद्यालय के स्नातक की अर्हताओं के समतुल्य विहित की गई हैं हो। ग यथाशक्य निकटतम 12वां भाग ऐसे व्यक्तियों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक मंडलों द्वारा निर्वाचित होगा जो राज्य के भीतर माध्यमिक पाठशालाओं से निम्न स्तर की ऐसी शिक्षा संस्थाओं में जो संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाए पढ़ाने के काम में कम से कम 3 वर्ष से लगे हुए हैं। घ यथाशक्य निकटतम एक तिहाई भाग राज्य की विधानसभा के सदस्यों द्वारा ऐसे व्यक्तियों में से निर्वाचित होगा जो विधानसभा के सदस्य नहीं हैं। अंग शेष सदस्य राज्यपाल द्वारा खंड 5 के उपबंधों के अनुसार नाम निर्देशित किए जाएंगे। 4 खंड 3 के उपखंड 1 के उपखंड ख और उपखंड ग के अधीन निर्वाचित होने वाले सदस्य ऐसे प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों में चुने जाएंगे जो संसद द्वारा बनाई गई विधि द्वारा या उसके अधीन विहित किए जाएं
तथा उक्त उपखंडों के और उक्त खंड के उपखंड घ के अधीन निर्वाचन अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होंगे। पांच, राज्यपाल द्वारा खंड तीन के उपखंड अंग के अधीन नाम निर्देशित किए जाने वाले सदस्य ऐसे व्यक्ति होंगे जिन्हें निम्नलिखित विषयों के संबंध में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव है, अर्थात साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और समाज सेवा। अनुच्छेद 172, राज्यों के विधानमंडलों की अवधि। अनुच्छेद 172 एक, प्रत्येक राज्य की प्रत्येक विधानसभा यदि पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तारीख से 5 वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं, और 5 वर्ष की उक्त अवधि की समाप्ति का परिणाम विधानसभा का विघटन होगा, परंतु उक्त अवधि को जब आपात की उद्घोषणा परिवर्तन में है तब संसद विधि द्वारा ऐसी अवधि के लिए बढ़ा सकेगी जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी और उद्घोषणा के परिवर्तन में न रह जाने के पश्चात किसी भी दशा में उसका विस्तार 6 मास की अवधि से अधिक नहीं होगा। दो, राज्य की विधान परिषद का विघटन नहीं होगा किंतु उसके सदस्यों में से यथासंभव निकटतम 1/3 सदस्य संसद द्वारा विधि द्वारा इस नियमित बनाए गए उपबंधों के अनुसार प्रत्येक द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर यथाशक्य शीघ्र निवृत्त हो जाएंगे। अनुच्छेद 173, राज्य की विधानमंडल की सदस्यता के लिए अर्हता। अनुच्छेद 173, कोई व्यक्ति किसी राज्य की विधानमंडल के किसी स्थान को भरने के लिए चुने जाने के लिए अर्हित तभी होगा जब का वह भारत का नागरिक है और निर्वाचन आयोग द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति के समक्ष तीसरी अनुसूची में इस प्रयोजन के लिए दिए गए प्ररूप के अनुसार शपथ लेता है और प्रतिज्ञान करता है और उस पर अपने हस्ताक्षर करता है। ख, वह विधानसभा के स्थान के लिए कम से कम 25 वर्ष की आयु का और विधान परिषद के स्थान के लिए कम से कम 30 वर्ष की आयु का है, और ग, उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हैं जो उस नियमित संसद द्वारा बनाई गई किसी विधि द्वारा या उसके अधीन विहित की जाएं। अनुच्छेद 174, राज्य के विधानमंडल के सत्रावसान और विघटन। अनुच्छेद 174 एक, राज्यपाल समय समय पर राज्यों के विधानमंडल के सदन या प्रत्येक सदन को ऐसे समय और स्थान पर जो वह ठीक समझे अधिवेशन के लिए आहूत करेगा, किंतु उसके एक सत्र की अंतिम बैठक और आगामी सत्र की प्रथम बैठक के लिए नियत तारीख के बीच 6 मास का अंतर नहीं होगा। दो, राज्यपाल समय समय पर क सदन का या किसी सदन का सत्रावसान कर सकेगा। ख, विधानसभा का विघटन कर सकेगा। अनुच्छेद 175, सदन या सदनों में अभिभाषण का और उनको संदेश भेजने का राज्यपाल का अधिकार। अनुच्छेद 175 एक, राज्यपाल विधानसभा में या विधान परिषद वाले
राज्य की दशा में उस राज्य की विधानमंडल के किसी एक सदन में या एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण कर सकेगा और इस प्रयोजन के लिए सदस्यों की उपस्थिति की अपेक्षा कर सकेगा। तो राज्यपाल राज्य की विधानमंडल में उस समय लंबित किसी विधेयक के संबंध में संदेश या कोई अन्य संदेश उस राज्य की विधानमंडल के सदन या सदनों को भेज सकेगा और जिस सदन को कोई संदेश इस प्रकार भेजा गया है वह सदन उस संदेश द्वारा विचार करने के लिए अपेक्षित विषय पर सुविधा अनुसार शीघ्रता से विचार करेगा। अनुच्छेद 176 राज्यपाल का विशेष अभिभाषण। अनुच्छेद 176 एक, राज्यपाल विधानसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के प्रारंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में एक साथ समवेत दोनों सदनों में अभिभाषण करेगा और विधानमंडल को उसके आह्वान के कारण बताएगा। दो, सदन या प्रत्येक सदन की प्रक्रिया का विनियमन करने वाले नियमों द्वारा ऐसे अभिभाषण में निर्दिष्ट विषयों की चर्चा के लिए समय नियत करने के लिए उपबंध किया जाएगा। अनुच्छेद 177 सदनों के बारे में मंत्रियों और महाधिवक्ता के अधिकार। अनुच्छेद 177 प्रत्येक मंत्री और राज्य के महाधिवक्ता को यह अधिकार होगा कि वह उस राज्य की विधानसभा में या विधान परिषद वाले राज्य की दशा में दोनों सदनों में बोले और उनकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले और विधानमंडल की किसी समिति में जिनमें उसका नाम सदस्य के रूप में दिया गया है बोले और उसकी कार्यवाहियों में अन्यथा भाग ले, किंतु इस अनुच्छेद के आधार पर वह मत देने का हकदार नहीं होगा।